ओके, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना, यूट्यूब के चैनल को मेंटेन करना, ये हर यूट्यूबर का गोल है। सो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैंने आपको बताना है कि क्या मैं इस चैनल को सेल कर रहा हूँ, और मैंने कुछ ऐसी बातें आपको बतानी है जो मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पर, लेकिन कुछ इवेंट्स की वजह से, कुछ टाइम की वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना सका। तो आज पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जो यूट्यूबर है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक चैनल को ग्रो करने के लिए, उसे उस मकाम तक लाने के लिए जिसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत जो है वो लगती है। डेली बेसिस पर आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, ताकि वो आपके चैनल के साथ इंगेज्ड रह सकें। ठीक है, तो मैं चैनल को सेल कर रहा हूं या नहीं कर रहा, उसका आंसर मैं अभी जो आपको देने वाला हूं। सो काफी टाइम से मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि एक धोखा ही है जिसकी वजह से काफी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। वो कैसे कि मुझे काफी टाइम पहले एक दफा मैंने इग्नोर किया, दो दफा मैंने इग्नोर किया, तीन दफा, लेकिन ये पांच छह दफा ये चीज हो चुकी है कि मेरे चैनल को सेल किया जा रहा है विदाउट मेरी परमिशन से, विदाउट किसी भी किसी ने मुझसे नहीं पूछा, या कोई भी ऐसी बात है ही नहीं, मैं अपने चैनल को सेल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है मेरे चैनल को शेयर करके। वो इस तरह के रिसेंटली एक भाई ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपका चैनल जो है वो, ये बंदा आपका चैनल सेल कर रहा है, क्या आपने उसे अथोराइजेशन आपने उसे दी है, क्या आपने उसे अथॉरिटी दी है कि वो आपके चैनल को सेल कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि ये कौन सा ऐसा जो वो पर्सन है या ऐसा बंदा है जो मेरे चैनल को सेल कर रहा है। उनसे मैंने उसका प्रोफाइल मांगा, तो मैंने उसे मैसेज किया। अब आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि मैंने उसे सलाम किया, उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपको किसने परमिशन दी कि आप मेरा चैनल जो है वो सेल कर रहे हैं। तो उसने मुझे बगैर किसी जवाब के उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये एक दफा नहीं हुआ, काफी ज्यादा जो वो लोगों को इस तरह उनके साथ धोखा किया जा रहा है कि वो मेरे चैनल का लिंक जो वो सेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये चैनल है, इसके सब्सक्राइबर देखें तो आपको चीप रेट पर इसका चैनल जो वो हम जो वो सेल करेंगे। मुझे इस चीज का इसके बारे में कोई नहीं पता, लेकिन लोगों को इसके बारे में जो वो स्कैम किया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है कि ये चैनल आप इतने पैसे दें और हम आपको ये चैनल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, इसका जो चैनल है वो मोनेटाइज है, आप इससे अच्छी अर्निंग करेंगे, और उन्हें धोखा दिया जा रहा है ये सब बातें कहकर। तो वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपने चैनल को जो है वो कभी भी सेल नहीं कर रहा। ये एक जो चैनल अर्सल टैक है, ये एक आइडिया से मैंने क्रिएट किया था। इसके ऊपर मैंने डिफरेंट जो वीडियोस हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, वो मैंने अपलोड करनी है। इसको मैंने चैनल को मैंने खुद इसको रन कर रहा हूँ, किसी के पास इसकी ऑथराइजेशन नहीं है। क्या ये चीज अलाउ है? यूट्यूब इसको अलाउ करता है कि आप किसी के परमिशन के बगैर उसके बारे में कोई भी एक्शन लें? यूट्यूब कभी भी और गूगल कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करता। ये आपको धोखा देने की वाली ही बात है कि उसकी मेरी परमिशन के बगैर मेरे चैनल को कोई सेल करे। अदरवाइज ये बात भी सोची जाए तो ये भी एक एथिकली ठीक नहीं है, ये लीगल नहीं है कि आप चैनल को सेल करें। यूट्यूब बहुत मेहनत करता है एक चैनल को ग्रो करने में, उसे मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अभी 3 वीक्स हो गया है मैं चैनल से आउट था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उनकी भी वेडिंग थी, और मेरी अपनी यूनिवर्सिटीज में काफी इवेंट्स थे, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं इस चैनल से थोड़ा सा दूर हुआ हूँ। और अब मैं फ्री हुआ हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक पर क्यों ना वीडियो बना लूँ, और मैंने आज इस वीडियो को बनाया है और आपको मैंने बताया है कि ये सब क्या हो रहा है। अगर आपके साथ कोई भी आपको मैसेज आए या कॉल आए तो उसके ऊपर बिलीव मत करें, उसकी सिंपली आप मुझे प्रोफाइल शेयर करें ताकि मैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकूं, या उसे मैं जो वो अच्छे तरीके से जो मैं उसे समझा सकूं, उसे मैं समझाऊं कि ये चीज ठीक नहीं है और आप इसके ऊपर जो वो ये काम मत करें। और आने वाली जो भी टाइम होगा, इसमें न्यू न्यू वीडियोस जो वो इस चैनल पर जरूर आएंगी।
फ्लटर का आपने बहुत कहा था कि फ्लटर के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाए, तो आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में हम ये सीरीज भी इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो का यही मकसद था कि आपको बताना, आपको उन जो बातों से आगाह करना जो बिल्कुल फेक हैं, वो बातें मैंने आपको बताई हैं। सो आप इससे कॉन्शियस रहें, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है कि किसी की परमिशन के बगैर उसके उसकी प्रॉपर्टी को, उसके कंटेंट को बेचा जाए। ठीक है, तो आने वाली कुछ वीडियोस में न्यू हमारे पास टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनानी है। तो कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके साथ तो कोई ऐसा वाकया हुआ है कि नहीं हुआ। सो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अलसल राय की तरफ से अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।